यूपी में अघोषित चुनाव प्रचार शुरू हो चुका है। तमाम पार्टियां अपने वोटरों को लुभाने के लिए लगातार एक जिले से दूसरे जिलों का दौरा कर रही हैं। पार्टी की रणनीति तैयार करने के लिए मीटिंग का दौर शुरू हो चुका है। इसी क्रम में कांग्रेस पार्टी द्वारा प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। यूपी के सभी जिलों में इस प्रशिक्षण शिविर को वर्चुअल तरीके से प्रकाशित किया जा रहा है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू गाजियाबाद पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि यूपी बेरोजगारी चरम सीमा पर है, किसानों के भुगतान बकाया हैं। देखिए, दो दिनों से प्रशिक्षण शिविर चल रहा है और आज ये पांचवां प्रशिक्षण शिविर, और आज से बरेली में भी प्रशिक्षण शिविर शुरू हो चुका है। संगठन का निर्माण, गांव-गांव तक कैसे जाएं, बूथ की कमेटियां कैसे बनाएं, ग्राम सभा की कमेटियां कैसे और विस्तार करें, इन तमाम विषयों पर, और ख़ासकर जो उत्तर प्रदेश सरकार 4 साल में पूरी तरह फेल हो चुकी है, जहां किसान आत्महत्या करने पर विवश है, 3 काले कानून को लेकर आज 7 महीने से धरने पर बैठा है, गन्ना किसानों का 10,000 करोड़ से अधिक का बकाया होना, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, नौजवान रोजगार के लिए रोज कहीं ना कहीं किसी मंत्रालय के मंत्री के आवास को घेरने का काम करने पर विवश है, कानून व्यवस्था फेल है, जंगल राज में उत्तर प्रदेश तब्दील हो चुका है, कोरोना मिसमैनेजमेंट के नाते जहां लाखों लोगों ने दम तोड़ा है, इंफ्रास्ट्रक्चर फेल हो चुका है, स्वास्थ्य की व्यवस्था ध्वस्त, शिक्षा की व्यवस्था ध्वस्त, जहां 4 साल में 500 से अधिक लोग जहरीली शराब पीने से मरे हों, गड्ढों में पूरी सड़कें तब्दील हो चुकी हों, उत्तर प्रदेश में जहां आम आदमी का जीना मुहाल हो, इन तमाम विफलताओं को, सरकार की विफलताओं को जनता तक कैसे ले जाएं, इन मुद्दों पर हम विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। मैं समझता हूं संगठन के आधार पर जिस तरह आदरणीय प्रियंका गांधी के नेतृत्व में गांव, गरीब, खेत, कल्याण, नौजवान और किसानों की आवाज़ को लेकर कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ सड़कों पर संघर्ष की है, निश्चित तौर से जहां सपा और बसपा अपने घर के पावदान को पार नहीं कर पाई है, कांग्रेस का कार्यकर्ता जेल गया, लाठी खाया है, हमें भरोसा और विश्वास है कि सशक्त विपक्ष होने के नाते हमारी संख्या भले 5 है और विपक्ष जो समाजवादी भले 49 की पार्टी है, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता का आशीर्वाद 2022 में कांग्रेस को मिलने जा रहा है और कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए सभी पार्टियों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। किसी भी मुद्दे को विपक्ष योगी सरकार के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए उत्सुक दिखाई दे रहा है। हालांकि ये तो आने वाला समय ही बता पाएगा कि 2022 में जनता किसे यूपी का ताज पहनाती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए गाजियाबाद से संजय मित्तल की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।